यू आर वॉचिंग पूंछ लाइव। टूलिप को देखने के लिए पहले जहां पर लोग श्रीनगर जाते थे, और अब पूंछ के लोगों के लिए खुशखबरी है कि पूंछ में ही टूलिप जो है गार्डन यहां पर लगाया गया है। आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, आज यहां पर टूलिप गार्डन को जो है इनॉग्रेट कर लिया गया है। एडीडीसी पूंछ ने आज इसकी इनॉग्रेशन की है और आम पब्लिक के लिए जो गार्डन को आज खोल दिया गया है। आप भी यहां पर आके इसका नज़ारा ले सकते हैं। आप भी अपनी फैमिली के साथ, अपने बच्चों के साथ अगर टूलिप देखने के आप शौकीन हैं तो आप यहां पर आके इसका नज़ारा ले सकते हैं। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए फ्लोरिकल्चर की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया है, और हमारी जब यहां के ऑफिसर से बात हुई तो उन्होंने बताया है कि इसको और बढ़ाया जाएगा आने वाले साल में, और जो मैंडर, सुरनकोट और मंडी में भी छोटे छोटे गार्डन जो है इसके लगाए जाएंगे। इस वक्त जो है पूंछ में जो गार्डन यहाँ पे बन के तैयार है और आम जनता के लिए आज इसको ओपन कर लिया गया है। आप भी यहाँ पे आके इसका नज़ारा ले सकते हैं। आप देखते रहें पूंछ लाइव। मेरा नाम आलिया हनीफ है, मैं पूंछ की रहने वाली हूँ। मैंने आज सुना था कि यहाँ पे बहुत से टूलिप लगे हुए हैं, अलग अलग टाइप्स के बहुत से फ्लावर्स लगे हैं। मैं कश्मीर जाना चाहती थी, सुना है कश्मीर में भी ये लगते हैं, कश्मीर में लगे हैं, लेकिन मैं कश्मीर जा नहीं पाई। आज ये पूंछ में लग गए हुए हैं, तो इसलिए बहुत अलग अलग टाइप के फ्लावर्स लगे हैं। बहुत सही है, मुझे बहुत खुशी हुई इधर आके। तो मैं अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर रही हूँ, यहाँ पे घूमने आई हूँ। तो बस मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, अपनी फैमिली के साथ आइए, यहाँ पे खूब एंजॉय कीजिए। ये बहुत अच्छा है, आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत यहाँ पे इन्होंने कोशिश करके, फ्लोरिकल्चर वालों ने हमारा ट्यूलिप गार्डन कोशिश की है। ये क्योंकि कश्मीर में बना था तो उसके बाद तमाम डिस्ट्रिक्ट में हमारी गवर्नमेंट की तरफ से कोशिश की जा रही है। उसी सिलसिले में पूंछ में भी हमें ये बहुत खूबसूरत इन्होंने बनाया है, और हम तो ये सबको रिक्वेस्ट करते हैं जितने भी पूंछ के वासी हैं कि आप आएँ, क्योंकि इसका पीरियड लगभग 20-25 दिन में ये ख़त्म हो जाना है। तो हम सबको कहते हैं कि आएँ और इसको देखें, विजिट करें बच्चों को लेके, ताकि इनको हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं इनको फ्लोरिकल्चर वालों के कि अगले साल हम इसको बढ़ाएंगे। और इस साल का आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत है, और आप सब लोगों को हमारी तरफ से दावत है कि आएँ और इसका नज़ारा लें। जी मेरा इम्तियाज लागे कौन से वार्ड नंबर 4। देखिए ये पूंछ के लिए एक बहुत बड़ी खुशकिस्मती की बात है। जैसे आप देखें श्रीनगर की बात, टूलिप गार्डन की बात कीजिए, जहाँ एंट्री फीस बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पूंछ में जो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन है, खासकर जो हमारे फ्लोरिकल्चर डायरेक्टर जो हमारे जितेंद्र सिंह साहब, जो हमारे संजीव जी यहाँ इंचार्ज हैं, और यहाँ की जो टीम है, इन्होंने कड़ी मेहनत करके ये जो आपने देखा होगा यहाँ पे टूलिप जो है फूल लगाए गए हैं। इसके साथ इन्होंने पिछले 2 साल पहले इन्होंने यहाँ पे लिलियम प्लांट्स भी लगाए थे, तो ये पूंछ के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। मेरी गुजारिश है जो मेरे सुनने वाले हैं पूंछ के लोगों से कि ये इसका पूरा लुत्फ लीजिए, क्योंकि ये जो ब्रीड यहाँ मिल रहे हैं आपको, ये फॉरेन कंट्री में मिलते थे आपको, ये आपको ये जो छोटा कश्मीर जिसको पूंछ हम कहते हैं इसमें मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। इसके लिए मैं एडमिनिस्ट्रेशन को मुबारकबाद पेश करता हूँ अपनी म्युनिसिपैलिटी की तरफ, और हमारे जो यहाँ पे प्रेजिडेंट साहब आए, एडीडीसी साहब हैं, इन्होंने इनॉग्रेशन किया है। हमारी यही कोशिश रहती है कि पूंछ को जितना भी हो सके तरक्की की तरफ ले जाया जाए, तो फ्लोरिकल्चर डिपार्टमेंट को हम अपने दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं। मेरा नाम डॉक्टर संजीव है, मैं यहाँ पे असिस्टेंट फ्लोरिकल्चर ऑफिसर हूँ कृष्ण चंद्र पार्क में। सर ऐसा है कि ये हमारी जो पार्क है ये पहले फुवारा गार्डन से जानी जाती थी, और पिछले कोई चार पाँच साल से ये हमने ट्रायल बेस पे पहले लगा रहे थे, कम एरिया में टूलिप लगा रहे थे। तो अब क्या है कि हायर अथॉरिटीज़ ने हमें, उनके निर्देश अनुसार हमने क्या किया है कि ऊपर थोड़े बड़े एरिया में हमने ये स्टार्ट किया है, और ये 2 कनाल का एरिया है, और लगभग 5 वैराइटीज़ हमने इसमें लगाई हैं, और 15,000 ट्यूलिप के बल्ब जो हमें हॉलैंड से इंपोर्ट हुए हैं वो हमने इधर लगाए हैं। ये पूंछ के लोकल आवाम के लिए है, और साथ में उन लोगों के लिए जो कि एज ए टूरिस्ट कश्मीर में जाते थे टूलिप गार्डन को इंजॉय करने के लिए, तो
तो ये इनके उनके लिए है कि वो इधर आए और इसको इंजॉय करें। सर ये पुंछ इलाका जो है, एक तो आबो हवा में ये कश्मीर के जैसा ही है, बहुत साफ हवा है यहाँ पे और एरिया बड़ा अच्छा है। लोग जो है कि अपनी सेहत का ख्याल करते हुए लोग पार्क्स में आते हैं घूमने के लिए, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक, और जैसे लोग स्पोर्ट्स खेलते हैं यहाँ पे, तो लोग इसके साथ साथ क्या है कि लोग इस चीज़ को एंजॉय करेंगे ट्यूलिप को। ये आने वाले टाइम पे हमारे पुंछ ज़िले में एक टूरिज़म जो है वो प्रमोट करने की कवायद सरकार ने स्टार्ट की है और ये उसका पहला स्टेप है। ये हमारी मेहनत है, हमने ये सितंबर महीने में हम इसको गार्डन को तैयार करते हैं, पूरा इसकी क्यारियां बनाते हैं, डिस्टेंस बराबर रखते हैं, इसमें खाद पानी और सब इसमें फंजीसाइड्स वगैरह लगा के, फिर जब इसको जब ट्यूलिप आता है तब हम उसको प्रॉपर डिस्टेंस हम मेंटेन करके हम इसको तैयार करते हैं। और जिसकी बदौलत ये देखो आज हमें फूल इतने सुंदर हमें देखने को मिल रहे हैं।